मेरा नाम फैजानी तिज्जा है। मैं पंजाब चहलकलान कॉल सेंटर में काम करता था। वहाँ वो सदाव का नाम है सतनाम सिंह। 2008 से मैं काम करते करते 2021 तक किया। जब भी पैसा मांगता था उसके बीच में तो मुझे एक पैसा नहीं देता था और ज़बरदस्ती काम करवाता था। जब काम नहीं करता था तो मारपीट करने लगता था हमको। तब मैंने वहाँ बहुत दिन से इंतज़ार किया पैसा मांगने का, मुझे मिला नहीं। तब मैं वहाँ से भाग के निकाल के दिल्ली चला आया। मेरा नाम निर्मला कारजी है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मेरा संस्था का नाम है HLDRC। फबियानुस मुझे कॉल किया एक अनजान व्यक्ति की मदद से, और मैं सिलीगुड़ी से दिल्ली आई हूँ। और दिल्ली आने के बाद मैंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन से संपर्क किया, क्योंकि अभी तक फबियानुस आज़ाद नहीं हुआ है, तो उसे आज़ादी दिलाने के लिए मैं इनके साथ संपर्क करके काम कर रही हूँ, और बंधुआ मुक्ति मोर्चा मुझे मदद कर रही है। फैबिनियस तिग्गा जो है वो टी गार्डन परिवार से हैं और ये दार्जिलिंग के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के। निर्मला जी इनको हमारे पास में लेके आई हैं। आज बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन ने निर्णय लिया है कि जो मजदूर पिछले अपने 13 साल से इस देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में गुलामी कर रहा था, उस मजदूर को जो है अब तो आज़ादी मिलनी ही चाहिए। उसको लेकर हमने लगातार लगातार कोशिश की है कि हम वहाँ के DC से बात करें, वहाँ के SDM से बात करें। SDM साहब से जब बात की गई तो उनका कहना था कि पंजाब में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई बंधुआ मजदूर नहीं है और हम इन मजदूर से बात नहीं कर सकते, आप इनको जो है इनके मालिक के पास में वापस छोड़ दीजिए। जो मजदूर जान बचाकर वहां से भाग कर निकला है, वहीं गुरदासपुर के जो SDM है, बटाला SDM, इस प्रकार की बात करते हैं। DC गुरदासपुर से बात करने का कोशिश किया, उनको एक पत्र भेजा, शिकायत पत्र भेजा, पर अभी तक उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मजदूर यहाँ पर दिल्ली में भटक रहा है। अब आज संगठन ने तय किया है कि इस मजदूर को सहायता करेगा, सहयोग करेगा, और ये मजदूर जो है अब यहाँ पंजाब चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, जहाँ उसको पूरी न्याय की उम्मीद है। संगठन मजदूर के साथ में खड़ा है, जहाँ जहाँ सहयोग पड़ेगा मजदूर को संगठन सहयोग करता रहेगा और इसको इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। जहाँ देश में आज करोड़ों गुलाम है, वहाँ पर पिछले 13 साल से जो मजदूर की जो मजदूरी बनी है लगभग लगभग 20 लाख के लगभग है, और साथ ही क्योंकि पिछले 13 साल से वहां पर गुलाम है, तो कम से कम इसको बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना के तहत अगर 1 लाख रुपया पुरुष को दिया जाता है तो उसको 13 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना के तहत दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अगर इसको हाईकोर्ट से भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मजदूरों के लिए खुले हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी से कम दर पे अगर कोई काम करता है, नाम मात्र की मजदूरी पे कोई काम करता है, तो उसको जो है फोर्स लेबर माना जाएगा और फोर्स लेबर को बंधुआ मजदूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शायद ये जजमेंट जो है वो मिस्टर तिग्गा को न्याय दिलाने के लिए एक रामबाण और एक आधार साबित होगा।